हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है जी 24 आवर्स इन इंडिया, क्लीनेस्ट सिटी इन दो। हाँ, इंडिया का इंदौर के बारे में तो फेमस है भाई, आई लव माई इंडिया, कर्ली टेल्स का वीडियो ये टाइटल है। और तो चलें जी, इंदौर वाले, इंदौर से एक टेलर थे काफ़ी पहले, मतलब अभी तो बात नहीं होती उनसे, तो मतलब टेलर टेलर वाओ, कांट बिलीव मैं इंडिया में हूँ। क्या आप मानेंगे कि इंडिया का ये सिटी इंडिया का सबसे सबसे क्लीनेस्ट सिटी है? वेल, दिस सिटी इज नॉट ओनली द कल्चरल एंड द एजुकेशनल हब, इन फैक्ट इसे एक फूड कैपिटल ऑफ सेंट्रल इंडिया भी माना जाता है। मैं आई हूँ एक ऐसी सिटी में जहाँ एक्सप्लोर करूंगी यहाँ का कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और यहाँ की मॉडर्निटी। So on this episode of I Love My India, I welcome you all to Indore. Indore is known for its pristine streets, well-maintained parks, public spaces, beautiful and luxurious malls, and of course its proximity to the Mahakal Temple. So trip ki shuruaat hamesha shubh kaam se hi honi chahiye. Let's go to the Ujjain Mahakaleshwar Temple. इंदौर से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर लोकेटेड इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ उज्जैन, महाकाल मंदिर हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यही एक अकेला ज्योतिर्लिंग है जो साउथ को फेस करता है, सिग्निफाइंग द लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ। महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर बहुत खूबसूरत है और इंदौर से इतने नजदीक है दैट एवरीवन मस्ट विजिट। वेल, अब दर्शन तो बहुत अच्छे हुए एंड आई एम बैक एट माय होटल शेरिटन ग्रैंड पैलेस इन इंदौर, वंडरिंग हाउ डू आई स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय डे। मुझे बताया गया है कि इंदौर आकर पोहा और जलेबी खाना तो बनता है। वेल, बोलने के लिए तो इंदौर में है 56 दुकान, पर यहां मैं आकर देख रही हूँ 56 से भी ज्यादा दुकानें हैं, ऑल डेडिकेटेड टू फूड। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। टू बी ऑनेस्ट, व्हाट आई एम ईटिंग राइट नाउ इज द पोहा दैट कम्स विद सेव अलोंग विद जलेबी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पोहा में बिल्कुल तेल या घी नहीं है, ये बिल्कुल स्टीम्ड है। इट लुक्स सो डिलिशियस, आई कांट वेट। Well, I'm quite amazed by the eco-friendly ways the food stalls that 56 dukaan are using, be it the spoon, no tissue policy. No wonder Indore ko India ka sabse zyada cleanest city mana jata hai. वैसे इंदौर में बहुत कुछ है करने को, from food to shopping, entertainment. So I am now heading to a one-stop destination that will offer everything under one roof. Wow, this is huge. मैंने सोचा इंदौर इज ओनली द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, पर यहाँ आकर पता चला दैट इट इज होम टू द लार्जेस्ट मॉल इन सेंट्रल इंडिया, व्हिच हैज द लार्जेस्ट फूड कोर्ट एंड द लार्जेस्ट सिनेमा। लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट एल्स। में फैला ये मॉल इज होम टू ओवर 300 ब्रांड्स, जिनमें 108 ब्रांड्स हैव कम टू सेंट्रल इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट एंड डिलिशियस डाइट।
So here I am at one of the largest food courts of Central India, offering 75 outlets and can easily seat up to 600 people. अब बड़ी सी भूख लग गई है मुझे. In fact, इन eateries के अलावा यहाँ पर restaurants भी है. There is GT Road, which is actually inspired from the Grand Trunk Road. जो road India से अफगानिस्तान तक जाती है, वहाँ जितने cuisines मिलते हैं, वो आपको मिलेगा at GT Road. And Mama Gato, known for its delicious. Have Indore's largest jewelry market. अब चाहे कोई function हो या त्योहार, you know where to get your jewelry from. Well, when it comes to entertainment, Phoenix Citadel Mall will surely keep you entertained. Be it playing games at Time Zone or clicking. Shopping to entertainment and gorging on delicious food. So, agar aap bhi kabhi Indore aaye, so make Phoenix Citadel as a part of your itinerary. Until next time, it's me Kamya Chani signing off. Bye. Okay, ji, kaisa laga ji Indore? Bahut hi badhiya. Zabardast. Hai? Ab aap bataye kaise? Mall mujhe waise bahut pasand hai. Mall pasand hai. वैसे भी ये cleanest city है इंडिया का. इंदौर जो है. जबरदस्त है. और मॉल का भी अच्छा था. वो चीज ज्यादा अच्छी लगी. क्या वो जो उन्होंने तस्वीरें बनाने के लिए जगह बनाई है, वो जो अम्ब्रेला वाली? नहीं नहीं, वो सारी अच्छी थी. बच्चे वाली? हां, जो वो एक उन्होंने मालदीव वाली को बनाई थी, वो ऐसे लग रहा था कि आप उधर ही खड़े हो. मालदीव? हां, वो 3D वॉलपेपर. हां हां, 3D वॉलपेपर. हम भाई को पता 3D वॉलपेपर है ना. तो ये था ये आज का वीडियो. और वैसे इंदौर काफी ब्यूटीफुल और साफ सुथरा सिटी है. और मतलब क्लीनेस्ट सिटी में एक अपनी पहचान है इसकी. इंडिया में तो स्पेशली क्लीनेस्ट सिटीज को माना जाता है, पूरी बल्कि दुनिया में भी. और आपको साफ सुथराई वहां पर मिलेगी. हाँ, मतलब आता है इंदौर का. आता है इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी, इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है. बाकी काफी बढ़िया वीडियो होता है कर्ली टेल वालों का, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि इनका वीडियो जितना मर्जी, उनका स्टाइल बहुत अच्छा है, तरीका एक्सप्लेन करने का बहुत बढ़िया. तो चलें जी, आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में. रखिए अपना बहुत सारा ख्याल.